70 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री शबाना आजमी आज भले ही फिल्मों में उतनी ज्यादा ना दिखाई देती हो जितना कि एक समय पर दिखाई देती थी, मगर बॉलीवुड में आज भी इनकी छवि एक सदाबहार अभिनेत्री के तौर पर कायम है, जिनकी हर एक मूवीज को आज की जनरेशन भी देखना खूब पसंद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शबाना आजमी की 4 फिल्मों को इनके पति जावेद अख्तर भी बेहद पसंद करते हैं, जहां पर वो अपनी पत्नी की 4 फिल्मों को हद से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो चलिए आपको उन्हीं 4 फिल्मों में से एक एक करके रूबरू करवा देते हैं जिन्हें शबाना आजमी के पति जावेद अख्तर देखना बेहद पसंद करते हैं। नंबर 1, काली खुई। 30 अक्टूबर साल 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हॉरर मूवी काली खुई को शबाना आजमी के हस्बैंड जावेद अख्तर देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस फिल्म से उनकी पत्नी ने पहली बार OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है, जिसमें ये सत्यमासी बनकर अपना खौफनाक और हिम्मती चेहरा दुनिया भर के सामने पेश कर पाई है। साथ ही इस फिल्म की कहानी और कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उनकी वाइफ ने दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए फिल्म उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। नंबर 2, अनोखा बंधन। शबाना आजमी के हस्बैंड जावेद अख्तर को अपनी वाइफ की फिल्म अनोखा बंधन देखना बेहद पसंद है, क्योंकि इस फिल्म में दिग्गज कलाकार सुनील दत्त, अशोक कुमार, शशिकला और जितेंद्र जैसे 2 गुड एक्टर फिल्म में अपने किरदारों से इसे आज भी यादगार बनाए हुए हैं, इसलिए यह फिल्म उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। और बीते 39 सालों में जावेद अख्तर ने अपनी बीवी की इस मूवी को 100 बार से भी ज्यादा देखा है। नंबर 3, अवतार। साल 1983 में राजेश खन्ना और शबाना आजमी स्टार मूवी अवतार एक ऐसे बुजुर्ग माँ बाप की कहानी पर आधारित है, जो अपने बच्चों के लिए जिंदगी जान लुटा देते हैं, मगर वही बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते और उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। ये कहानी शबाना आजमी के पति को बहुत ही ज्यादा छू गई थी, क्योंकि शबाना एक ऐसी बेबस माँ का किरदार इस फिल्म में निभाकर दर्शकों के दिलों को जीत गई, जो अपने बच्चों के सताए जाने के बाद भी उनके लिए प्रार्थना दुआ करके उनकी सलामती मांगते हुए स्वीकार कर लेती है। नंबर 4, अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी में चोरनी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शबाना आजमी की अदायगी इस फिल्म में बागमाल थी, जहां पर इनके डायलॉग बाजी और आंख में चोली को दर्शकों के साथ साथ इनके हस्बैंड जावेद अख्तर ने भी इस फिल्म को खूब पसंद किया था। इस फिल्म का गाना जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेके जाना को भी वो अपने प्लेलिस्ट में शामिल करके पिछले 35 सालों से सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको शबाना आजमी की इनमें से कौन सी मूवी बेहद पसंद है, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।